हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है राखी का, और राखी मैं आज आपको अपनी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और बहुत आपके लिए यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मेरी नई नई वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो चलिए हम इसको करते हैं बनाना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो जैसा कि आप लोग, मैंने कुछ यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया है। ऐसे एक्चुअली मैंने तो पैकेट दिखाया है, बट इसमें एक दो ही लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैंने यहाँ पे पैकेट दिखाया है ताकि आपको बहुत आसानी से ये सब मटेरियल दिख सके जो हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, जो कि मैंने पहले भी वीडियो डाली है। ज्वेलरी में बिल्कुल सारी सामान वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। और जो एक्स्ट्रा है ये बकरम है, आप जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो इसको बकरम कहीं भी इजिली शॉप पर मिल जाती है। और ये मैंने मोती लिया है, आप सिंपल मोती गोल्डन कलर का लिया है, आप कोई भी मोती ले सकते हो, वाइट भी ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टोन नगवारी ली है, इसमें मैंने मल्टी कलर का लिया है। आप चाहो तो सिंपल स्टोन नग भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने स्टोन लिया है, और स्टोन मैंने इसमें जो मैंने रखा है वो सारा मिक्स करके रखा है। एक्चुअली इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन सारे कलर के स्टोन हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे कलर को मिक्स करके लिया था, जो सारे मिक्स हैं इसमें, तो आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हो। तो चलिए इसको हम करते हैं फाइनली बनाना, अगले स्टेप। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक गम लिया है, फैब्रिक गोंद लिया है। तो आई होप आपको क्लियर दिख भी रही होगी फ़ोटो। ये भी ज्वेलरी शॉप जहाँ पे ये सब मटेरियल मिलेगी वहीं पे ये सामान भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले बकरम लिया है, जो मोस्टली जो कपड़ा वगैरह मिलते हैं ना उस शॉप पे मिल जाएगा आपको बकरम, और जो सिलाई करते हैं उनके पास तो 100% होगा ही। तो बकरम लिया है और स्टोन लिया है। तो मैं यहाँ पर जो स्टोन यूज़ कर रही हूँ वो ब्लू कलर का स्टोन यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, आप रेड भी या ग्रीन भी या कोई भी आपके पास ईजिली अवेलेबल है वो स्टोन आप यूज़ कर सकते हो। तो एक स्टोन हमने लगा दिया है, और उसके बाद जो ये नग वाली स्टोन है जो मल्टी कलर मैंने अभी दिखाया था, और ये सिंपल वाली भी है, तो आप मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हो और सिंपल वाली भी यूज़ कर सकते हो। तो हम देखेंगे आगे, अगर इसे मल्टी कलर की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो हम सिंपल वाला ही यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर सिंपल वाला यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से इसको देखिए, सिंपल वाला जो लाइनिंग स्टोन वाली होती है वही है, आपको क्लियर वीडियो में भी दिख रही है। और इस तरीके से हम राउंड कर देंगे और चिपका देंगे, और बाकी सारे एक एक करके आप देखते रहो। मैंने मल्टी कलर पे यहाँ के जो लड़ियाँ हैं वो मल्टी कलर पे यूज़ किया है राखी बनाने के लिए, तो बाकी सारे ऐसे ही बनते रहेंगे। तो आप मेरी वीडियो में देखते रहिए और बने रहिए और सीखिए। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, जो कि मार्केट में अभी जाना बहुत मुश्किल है, लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन तो फाइनली ख़त्म हो गया है, कहीं कहीं है तो कोरोना की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। तो हम अपने घर में इसको बहुत ईजी तरीके से राखी बना के अपने भाई को बांध सकते हैं, जो कि हमारा मतलब एक दिल से जुड़ा होता है राखी का त्यौहार, और बहुत मतलब बहुत बेसब्री से सालों में एक बार आती है, एक साल में एक बार आती है, और बहुत बेसब्री से इस त्यौहार का हम वेट करते रहते हैं। तो इस तरह से आप राखी बना सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा कि आपको वीडियो दिख भी रहा है फ्रेंड्स की, बस इसको लड़िया लेनी है और राउंड राउंड ही इसको घुमाते रहना है और चिपकाते रहना है। तो वीडियो देखते रहिए ध्यान से, आई होप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और समझ ही जाओगे आगे की डिज़ाइन कैसी बनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतना सारा घुमा लिया है और सारे मैंने जो लड़ियाँ लिया है उसको 2 टाइम घुमाया है, मतलब 2 टाइम टर्न किया है। अगर आपका लड़ी कहीं भी कम पड़ जाता है तो इस तरीके से आप दूसरा लड़ी भी कट करके कर सकते हो, उसमें कोई डिज़ाइन में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मैंने एक गोल सी पट्टी बहुत प्यारी सी बना के रेडी कर लिया है और थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने और आप चाहो तो इसे छोटा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलते हैं इसके बांधने की धागे की तरफ। धागा मैंने जो कच्चा धागा होता है मोस्टली पूजा में यूज़ करने वाला होता है वो धागा यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कच्चे धागे बोलते हैं, मतलब कच्चे धागे में ज़्यादा अच्छा रहता है राखी बनाना। तो कच्चा धागा लिया है और मोती लिया है मैंने, गोल्डन और वाइट कलर का मोती लिया है। मोती का जो साइज़ है वो मैंने गोल्डन कलर का जो मोती है उसे थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है और उससे थोड़ा सा छोटा लिया है, जो गले की माला होती है उस हिसाब से मैंने मोती लिया है। तो एक एक करके हम डालेंगे, एक गोल्डन कलर का डालेंगे, 2 वाइट डालेंगे और उसके बाद फिर गोल्डन डालेंगे, इस तरीके से मोतियाँ अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने मोती अटैच कर ली है, आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे भी राखियाँ बांध सकते हो, बहुत प्यारी लगती है, जो मोस्टली 10-20 रुपए में मिलती है मार्केट शॉप में, तो इसी तरीके की धागे रहती है। तो हमने जो बकरम पे डिज़ाइन बना के रखा था उसको अच्छे से सूखने देना है, 5 से 10 मिनट पंखे के नीचे रख के, और हवा में अच्छे से ड्राई जब हो जाएंगे तब बाकी के जो एक्स्ट्रा बकरम है उसको हम कट करके निकाल देंगे। आप चाहो तो टाइट जो चौकोस वगैरह का पैकेट होता है ना उसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बकरम नहीं मिलती है तो। और बिल्कुल सेम वैसे ही उतने ही साइज़ का हम एक और कट करके रेडी कर लेंगे, ये देखिए। और बाकी एक्स्ट्रा जो रहेगा बकरम या कूट वगैरह आप जो भी यूज़ कर रहे हो तो उसको एक्स्ट्रा सारे को हम कट कर देंगे और अच्छे से एक राउंड शेप ले लेंगे हम। बिल्कुल देखिए बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए जो आप बकरम या जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो दिखना नहीं चाहिए। और ये देखिए पीछे की साइड हम एक लंबी लाइन ले लेंगे और इसके बीचों बीच में इक्वल कर लेंगे हम सबसे पहले धागे को, दोनों धागे को, और इस तरीके से इक्वल कर ले, कहीं से ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। एकदम इक्वल करने के बाद जो बीच का पोर्शन आता है वहाँ से दोनों साइड से हम धागे को अलग करेंगे, ये देखिए दोनों साइड से धागे को हम अलग करेंगे और बीच में इसको हम चिपका देंगे इस तरीके से। बहुत आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स, कोई भी मुश्किल और कोई झंझट नहीं है। और आप अपने मन चाहे डिज़ाइन इसको दे सकते हो, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, कोई भी लुक दे सकते हो जो मार्केट में हम नहीं खरीद पाते हैं, मोस्टली जल्दी पसंद नहीं आती है, जो पसंद आती है बहुत कॉस्टली रहती है। तो इस वजह से आप घर में अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के राखी यूज़ कर सकते हो। और जो साइड का जो मोती है उसमें एक सिंपल सा गांठ लगा दे ताकि हमारी जो मोती है वो धागे के बाहर ना निकले, इसलिए हम गांठ लगा रहे। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स फाइनली कितना प्यारा हमारा राखी बनके रेडी हुआ है, आप खुद भी देख सकते हो बहुत प्यारी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये राखी का डिज़ाइन और राखी की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए थोड़ा हम मार्केट का इसको लुक देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे के बुक से साइड वाला जो हार्ड खूंट होता है ना उसको मैंने कट कर लिया था लंबे साइज़ में, और यहाँ पर मैं टेप से उसको साइड साइड से चिपका देती हूँ ताकि जो हमारी राखी है वो इधर उधर खिसके नहीं। आप इसको पार्सल कुरियर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर पे या कहीं भी इसको बेच सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है वो फाइनली राखी बनके पूरा रेडी हो गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये राखी की डिज़ाइन कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल आपको लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।